सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टेक एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए कमाल की एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ, जिसके मदद से यहाँ पे आप किसी के भी कॉल डिटेल्स मैसेज को आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं बिना उसको पता चले। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का, बहुत ही शानदार सा वीडियो होने वाला है, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा, ताकि जो कुछ मैं आपको समझा वो आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए करते वीडियो के स्टार्ट। मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं न्यू टेक एपिसोड। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें लाइक की बटन दिखाई दे, सिंपली उसको प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आपको कमेंट सेक्शन दिखाई देगा, तो सिंपली वहाँ पे आपको लिखना है नाइस ट्रिक नाइस वीडियो, जैसी आपको वीडियो लगी हो वैसे लिख देना है, या कि आपको अगर वीडियो बेकार लगी है तो यहाँ पे बैड लिख दीजिए, अगर आपको कोई सजेशन पूछना है तो यहाँ से आप लिख के पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब मैं वापस बैक आ जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सिंपली आपको अपने किसी फ्रेंड या कि जिसका मोबाइल आप चेक करना चाहते हो उस मोबाइल को आपको 10 सेकंड के लिए मोबाइल लेना है, उसके बाद अपने मोबाइल से इस ऐप्स को अपने मोबाइल में रखना है और जेंडर से अपने फ्रेंड के मोबाइल में कॉपी कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड कंफर्म प्रोसेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको ऊपर वाले ऑप्शन को प्रेस करके यहाँ पे कॉल लॉग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कॉल लॉग के ऑप्शन में प्रेस करके यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख दीजिए जिस नाम से ये फाइल बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्रिएट कॉल लॉक के बैकअप के ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे जा चुका है, अब मुझे क्या करना है अपने इस स्टोरेज में जाके। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपने गैलरी में जाके ये इमेज टू पीडीएफ का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं इसको ढूंढ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए आपके कुछ गैलरी में इस टाइप से फोल्डर आ गया होगा, इस फोल्डर को इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे ये जो कॉल वाला ऑप्शन है इसको प्रेस करना है, उसके बाद आपको अपने फ्रेंड के मोबाइल मतलब आपको अपने खुद के मोबाइल से यहाँ पे व्हाट्सएप में सेंड कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ से आपको ये इस मोबाइल से डिलीट कर देना है, ताकि उसको ये ना पता चल पाए कि यहाँ पे किसने मतलब कुछ भेजा है। अब इसको आप इजीली से ओपन करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे किससे क्या क्या बातें की हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी हिस्ट्री आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी इसको हाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ प्राइवेसी है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, आपको 100% से ये एप्लीकेशन पसंद आएगी, अगर आप भी किसी पे नजर रखना चाहते हैं कि वो किससे किससे क्या क्या बात करता है, कि क्या क्या मैसेज में बात करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।